हाय, आज के लेक्चर का टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है गिवन एन नंबरों को, एन चीज़ों को सॉर्ट करने की, और इसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी उतना मुश्किल नहीं है कंपेयर टू जो और दो एल्गोरिथम्स, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट हम देखेंगे। तो आज हम इसी की बात करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली वन बाय वन हम एलिमेंट सॉर्ट करते हैं, वन एलिमेंट एट अ टाइम, और छोटे डेटा सेट्स पर यह काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आपके पास छोटा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको सॉर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स वेरी वेल, लेकिन अगर आपके पास बड़ा डेटा सेट है, आपको खूब सारे नंबर सॉर्ट करने हैं, तो ये उतनी तेज़ नहीं चलती। अगर बहुत सारा डेटा है तो ये प्रेफर रहेगा कि आप इंसर्शन सॉर्ट ना यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी कंपेयर टू जो क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली उस तरह काम करती है जिस तरह आपने कभी ताश के पत्ते खेले हो तो लोगों को पत्ते अरेंज करते हुए देखा हो। इस तरह वो बेसिकली क्या करते हैं, मतलब हम ह्यूमन लोग जनरली जब सॉर्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मान लो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मान लो अब हमारे पास 5 रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि और मान लो ये जो है ढक के रखे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि क्या आने वाला है, ये शेडेड पत्ता है मान लो जो है उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके पत्ता उठाएंगे और अपने हाथ में रखते जाएंगे। हमारे पास पहले 5 आया तो हम 5 रख लेंगे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास 7 आया तो हम देखेंगे 7 की पोजीशन कहाँ पर है, 7 की पोजीशन 5 के तो बाद ही है, तो हम 7 को 5 के आगे लगा देंगे। उसके बाद हम उठाएंगे 3 तो हम देखेंगे 3 हम लगाना तो यहाँ चाहते थे 3 को, लेकिन 3 की सही पोजीशन कहाँ है यहाँ पर, तो हम सरका सरका कर यहाँ पर फिर यहाँ पर लाकर हम 3 को लगाएंगे, फिर 5 को लगाएंगे, फिर 7 को लगाएंगे, है ना, और फिर हम उठाएंगे पत्ता 1 तो फिर हम 1 को आगे लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 5 7, जो कि सॉर्टेड लिस्ट होगी। तो हम ह्यूमन जनरली कुछ भी एक वन एलिमेंट एट अ टाइम सॉर्ट करते हैं, तो हम उठाते जाते हैं और जहाँ उसकी सही पोजीशन होती है वहाँ रखते जाते हैं, 5 रखा, फिर 7 रखा, फिर 3 उठाया तो देखा कि कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, वहाँ रख दिया, 1 उठाया देखा कहाँ होनी चाहिए, यहाँ से कंपेयर किया और यहाँ पर उठाकर 1 आपने रख दिया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कंक्रीट, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो अगर आपको एक लिस्ट दे रखी है, मान लो आपको एक लिस्ट दे रखी है, आपको दे रखा है उसमें 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 है और 2 है, तो जब आप इसकी सॉर्टिंग चालू करोगे, जो इम्प्लीमेंटेशन आज हम करेंगे, उसमें आप क्या करोगे कि आप यहाँ से इंडेक्स देखना चालू करोगे, आप देखोगे कि यहाँ 5 है, अब 5 और 6 में कौन छोटा है, 5 छोटा है तो आप इसको यहाँ ले जाओगे और 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो स्टेप 1 के बाद आपका आउटपुट होगा 5 6 3 2। उसके बाद आपका ये जो पॉइंटर है उसे आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे। अब आप कहोगे कि 3 के लिए सही पोजीशन कहाँ है, आप 3 और 6 को कंपेयर करोगे, 3 छोटा है तो 3 यहाँ, फिर आप देखोगे कि 3 की, अगर 3 यहाँ होता और 6 यहाँ होता तो 3 और 5 में कौन छोटा होता, 3 छोटा होता, तो इसका मतलब 3 की सही पोजीशन यहाँ पर है, उस तो 5 यहाँ से रख जाएगा, 6 यहाँ से रख जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टेप 2 के बाद आपका कोड, आपकी लिस्ट ऐसी लगेगी कि 3 फिर 5 फिर 6 फिर 2, आपका ये जो पॉइंटर है अब आखिरी एलिमेंट पे आ जाएगा, और फिर आप देखोगे कि भाई कंपेयर करोगे 2 और 6 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो आप कहोगे कि भाई 6 को तो हमें इधर सरकाना पड़ेगा, फिर 2 और 5 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, इसका मतलब हमें 5 को भी इधर खिसकाना होगा, 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, इसका मतलब हमें 3 को भी यहाँ सरकाना होगा और 2 आ जाएगा शुरू में, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो
फाइनल आंसर हो जाएगा 2, 3, 5 और 6। यही सिंपल सा आइडिया है। सिंपल सा आइडिया क्या है कि आप पॉइंटर लेते हो, दूसरे एलिमेंट से चालू करते हो, एक एक करके पॉइंटर सरकाते जाते हो एंड तक, और हर बार आप जो एलिमेंट है उसकी सही पोजीशन फाइंड करते हो। 5 की सही पोजीशन क्या है, फाइंड करी वहाँ रख दिया। उसके बाद 3 की पोजीशन कहाँ है, वहाँ रख दिया। 2 की पोजीशन कहाँ है, वहाँ रख दिया। इससे क्या होता है कि जो आपका पॉइंटर है उससे पहले की जो लिस्ट होती है वो हमेशा सॉर्टेड रहती है। पॉइंटर से पहले 6 था, सॉर्टेड था। पॉइंटर से पहले 5 और 6 थे, सॉर्टेड थे, सही आंसर था। उसके बाद के सॉर्टेड नहीं है लेकिन उससे पहले सॉर्टेड है। पॉइंटर से पहले 3, 5, 6 थे, सॉर्टेड थे, 3, फिर 5, फिर 6। और उसके बाद पॉइंटर फाइनल आंसर में 2, 3 पॉइंटर एकदम लिस्ट के बाहर चला गया, आंसर था 2, 3, 5, 6 और वो सॉर्टेड लिस्ट थी। तो बेसिकली हर बार आप पॉइंटर मूव करते जाते हो और ये गारंटी करते जाते हो कि पॉइंटर के पीछे वाली लिस्ट सॉर्टेड होगी, फाइनली पॉइंटर बाहर निकल जाता है और जो लिस्ट होती है वो सॉर्टेड मिल जाती है। एक और बात जो नोटिस करने की है यहाँ पर कि जो एल्गोरिथम आज हम लिखेंगे वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी। आप चाहो तो ये सेक्शन स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपको ये एग्ज़ाम में आएगा कि इन प्लेस एल्गोरिथम क्या होती है, तो जैसे हमने पत्तों वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, तो पत्तों वाले एग्ज़ाम्पल में कुछ चीज़ें जिनको सॉर्ट करना था अलग रखी थी और फाइनल सॉर्टेड कहीं हम और रख रहे थे। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेटा था उसकी 2 कॉपी बन रही थी, एक तो जो रखे ओरिजिनल इनपुट था और एक जो आप सॉर्टेड बना रहे थे। इन प्लेस एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप जो ओरिजिनल डेटा है उसी के एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करते रहते हो, उठाकर इधर उधर रखते रहते हो। फ़ायदा ये होता है कि आपको दुगनी मेमोरी नहीं यूज़ करनी पड़ती। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक लिस्ट दी हुई है तो आपको एक और लिस्ट जिसमें कि फाइनल आउटपुट स्टोर नहीं करना पड़ेगा, इसी लिस्ट में आप एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हो। इन प्लेस नहीं समझ में आया, स्किप कर दो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कोड की। बाय द वे, इन प्लेस अगर आप कंप्यूटर उससे एनालॉजी लो हाथ में पत्ते स्टोर करने से, तो मतलब ये है कि पत्ते टेबल पे नहीं रखे हैं और आप टेबल से नहीं उठा रहे हो, आपके हाथ में ही सारे पत्ते हैं और आप पत्तों को आपस में ही स्वैप कर रहे हो। हाथ में सारे पत्ते होल्ड करते हुए आप जो है पत्ता एक 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 ऐसे स्वैप कर रहे हो, कहीं से उठा नहीं रहे। खैर, तो अब हम कोड की बात करते हैं। तो अभी हमने ये जो एग्ज़ाम्पल देखा उसमें कोड हमारा जब हम लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, अलाउ उसे हम प्रोटोटाइप करते हैं कि भाई डेफ ऑफ इंसर्शन सॉर्ट होगा, वो क्या लेगा, एक लिस्ट लेगा एल, मान लो लिस्ट लेगा इनपुट में। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर फाइनली जो सॉर्टेड लिस्ट है उसको रिटर्न करना होगा। मतलब हम लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे और फाइनली उसी को हम रिटर्न कर देंगे, बीच में हम सॉर्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, जो आपने पॉइंटर था उसको आप 2 से मूव कर रहे थे 2 to एंड ऑफ लिस्ट ऐसे कर रहे थे, और हर इस लूप चलाओगे और बेसिकली आप क्या कहोगे कि भाई रीऑर्डर कर दो, इंसर्ट इनकरेक्ट पोजीशन, इंसर्ट इनकरेक्ट पोजीशन, लिस्ट लोगे और उसमें इंडेक्स दे दोगे आए। तो बेसिकली होगा क्या, जो पॉइंटर है आपका 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा से लेकर जो पॉइंटर था ऐसा वाला वो बढ़ता जाएगा लिस्ट के एंड तक, और हर बार आप जो आयत एलिमेंट है उसे लिस्ट में करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट इन करेक्ट लेफ्ट पोजीशन, इन करेक्ट लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, उसके लेफ्ट में उसके सही स्थान पर उसे रख दोगे। जब ये हो जाएगा एंड में लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, आप रिटर्न कर दोगे। बस कुल मिला के इतना करना है कि हमको ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। इस फंक्शन का काम ये होगा कि इसको एक लिस्ट दी जाएगी और जो है एक पॉइंटर होगा, उसको वो एलिमेंट उठाना होगा और उस एलिमेंट को उसके कंपेयर करते जाते जाते उसके सही प्लेस पर रखना होगा और बाकी एलिमेंट्स को राइट में सरकाना होगा।
समझ रहे हो, बेसिकली इतना सा आइडिया है। तो इस फंक्शन की बात करते हैं, इंसर्ट इन करेक्ट लेफ्ट पोजीशन की डेफ ऑफ जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट, इसका मैंने नाम दिया है नोट्स में डेफ ऑफ इंसर्ट इन करेक्ट पोजीशन, बहुत लंबा सा नाम है टू लेफ्ट, कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम है इनफैक्ट। ये इनपुट लेता है, एक लिस्ट लेता है इनपुट, और इंडेक्स आई लेता है, और फिर ये क्या करता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ तो, कि सपोज़ आपको लिस्ट दी हुई है, उसके एलिमेंट हैं 51, 31, 21, है ना, और इंडेक्स आप जानते हो पाइथन में पहला एलिमेंट 0 होता है इंडेक्स, दूसरे का इंडेक्स 1 होता है, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सपोज लिस्ट दी है और आई 2 दिया हुआ है, ठीक है, आपको फाइंड, तो ये कोड क्या करेगा कि जब ये चलेगा तो एंड में 21 यहाँ पर आ जाना चाहिए, और अच्छा ये सॉर्टेड हो मान लो तो ये 81 है, 51 यहाँ से रख जाना चाहिए, 81 यहाँ से रख जाना चाहिए, है ना, 81 यहाँ से रख जाना चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू निकाल लेते हैं, सबसे पहले वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, 21 होगी लिस्ट ऑफ आई, तो हमें वैल्यू मिल गई 21। अब हम क्या करेंगे कि सर्च चालू करेंगे कि कहाँ पर फिट बैठना चाहिए 21, तो हम अपनी सर्च जो आई है वहाँ से चालू करते हैं। अब हमें यहाँ से लेकर 0 तक जाना है, अब अगर ये नंबर बहुत बड़ा होता, मान लो ये 1000 होता, तो फिर इसे हम कहीं नहीं सरका सकते थे, फिर तो ये यहीं रहता, है ना, तो यही करेक्ट आंसर होता। फाइनली हम जे सर्च करेंगे और जब एंड में हमें करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी तो वहाँ पर हम कह देंगे कि जो लिस्ट ऑफ जे है, जो सही स्थान है जे का, वहाँ पर हम 21 रख देंगे। बस बात यह है कि हमें जे सर्च करना है, बीच में भरना है हमें। तो हम सर्च चालू करते हैं कि वाइल जो है लिस्ट ऑफ जे माइनस वन इज ग्रेटर देन वी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जे अभी शुरुआत में यहाँ पर है, ठीक है, 2 पर, अब तुम ये कंपेयर करोगी कि जो वैल्यू यहाँ पर है लिस्ट ऑफ जे माइनस वन जो कि 81 है, क्या वो 21 से बड़ी है, अगर इस केस में है 21 से बड़ी है, 81 इज ग्रेटर देन 81, तो आप क्या करोगे कि भाई ऐसा है 81 तुम एक इधर सरक जाओ, यानी लिस्ट ऑफ जे जो है वो लिस्ट ऑफ जे माइनस वन के बराबर कर दोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, 21 खो गया अब, ठीक है, पहली इटरेशन के बाद यहाँ पर अब 81 आ जाएगा, यहाँ पर भी 81 होगा, यहाँ पर 51 होगा, और J को घटा दोगे क्योंकि अब तुम शायद अब ये सही पोजीशन है, ये पॉइंटर अब यहाँ से यहाँ मूव कर गया। अब तुम यही काम फिर से करोगे कि भाई लिस्ट ऑफ J माइनस वन क्या तुम V से बड़े हो, तुम कंपेयर करोगे, तुम बोलोगे हाँ साहब बड़े तो हैं, 51 जो है वो वैल्यू 21 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो लिस्ट ऑफ जे माइनस वन के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर तुम जाओगे, अच्छा लिस्ट ऑफ जे की वैल्यू 0 थी लिस्ट ऑफ माइनस वन, तो कायदे में कोड यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसका मतलब एक कंडीशन मिसिंग है कि भाई जे को तुमने एक कंडीशन और लगानी है कि लिस्ट क्या अगर एंड आ रहा हो तो उसको कैप्चर कर लेना, तो यहाँ पर ये लिख दो कि वाइल लिस्ट ऑफ एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर जे 0 हो जाए तो फिर तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। तो अगर जे 0 होगा तो ये कोड आगे ही नहीं बढ़ेगा, जे 0 होगा यहीं कैंसिल हो जाएगा, कोड यहाँ आ जाएगा, लिस्ट ऑफ 0 21 हो जाएगा, यहाँ पर ये 21 रख देगा और आपका काम हो गया, समझ रहे हो, 21 51 81 लिस्ट सॉल्ट हो गई, बस इतना सा कोड है। तो आई होप कि आपको समझ आएगा, चलिए इसे हम फटाफट इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मेरा होगा इंसर्शन सॉर्ट
ये एक लिस्ट लेता है इनपुट, आप ये फिर क्या करता है कि सबसे पहले लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ लिस्ट सपोज वो एल है, ठीक है, तो आप ये करो कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 to 1 to लेंथ, तो ये क्या करेगा भाई, रेंज ऑफ 1 to लेंथ क्या करेगा, 1 देगा 2 देगा, अगर लेंथ 5 है तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, और इंडेक्स के हिसाब से सेकंड से लेकर लास्ट एलिमेंट तक आपको हो गया, आई क्या है पॉइंटर है जिसकी हमने बात करी थी, आप क्या करोगे रीऑर्डर करोगे, रीऑर्डर नहीं इंसर्ट करोगे, इंसर्ट इन करेक्ट पोजिशन, टू लेफ्ट, उसे इनपुट क्या दोगे लिस्ट दे दोगे और पॉइंट इंडेक्स दे दोगे आई, जब ये कोड खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दोगे कि भैया ऐसा है लिस्ट रिटर्न कर दो, ठीक है, अब बस कोड ये बचता है कि आपको ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, इंसर्ट इन करेक्ट पोजिशन टू लेफ्ट, ये लिस्ट लेता है और आई लेता है इनपुट में, तो आप सबसे पहले वैल्यू निकाल लो लिस्ट ऑफ आई, ये उस वाले एग्जाम्पल में किसके बराबर था, आप जो सही पोजीशन सर्च कर रहे हो जहाँ पर कि वैल्यू को रखना है उसकी शुरुआत, उसकी सर्च आप आरंभ कर रहे हो, उसकी सर्च शुरू कर रहे हो, उसे इनिशियलाइज कर दो आई पे, उसके बाद आप कहो कि वाइल एल ऑफ जे माइनस वन इज ग्रेटर देन वी, अच्छा एक और कंडीशन थी कि जे हैज़ टू बी, जे ज़ीरो नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एक एक करके सरकाते जाना, एल ऑफ जे माइनस वन बराबर एल ऑफ जे बराबर एल ऑफ जे माइनस वन, और जे को घटाते जाओ, ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो ये अपनी सही पोजीशन ढूंढ लेगा, आपको जो फाइनली जे मिलेगा या तो वो ज़ीरो होगा या बीच में रुक जाएगा, एल ऑफ जे जो होगा वहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कोड हो गया है, आई होप कि मेरा जो समझाना था वो आपको समझ आया होगा, इसको आप एक और बार देख लो चाहो तो, सपोज एक और एग्जांपल है कि भाई मेरे पास 51 था 71 था और 61 था, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जे की वैल्यू 2 होगी, कोड चलेगा, और क्या लिस्ट ऑफ जे माइनस वन वैल्यू की वैल्यू 61 है, क्या ये कंपेयर करेगा और देखेगा कि हाँ 71 बड़ा है, तो ये यहाँ पर जाएगा लिस्ट ऑफ जे 71 रख देगा, यहाँ पर 71 आ जाएगा और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद कोड फिर से चलेगा, क्या लिस्ट ऑफ जे माइनस वन 51 से बड़ा है, नहीं है, अगर नहीं है तो ये इस लूप में अंदर ही नहीं जाएगा और सीधे यहाँ पर आ जाएगा और बोलेगा कि लिस्ट ऑफ जे में वैल्यू डाल दो, वैल्यू कितनी थी, वी 61 थी, जे 1 था, यहाँ पर 61 डाल देगा, आपका कोड सही सलामत 51 61 71 दे देगा जो कि सही आंसर है, तो बेसिकली हमें लग रहा है कि जो कोड हमने लिखा है वो एकदम सही है, तो क्यों ना इसे हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट इंसर्शन सॉर्ट ऑफ 1 2 -1 प्रिंट करके देख लेते हैं सही कर रहा है या नहीं, पाइथन इंसर्शन कंट्रोल फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया, इंसर्शन सॉर्ट डॉट पी वाई, ऊप्स यहाँ पर लैंग नहीं एल आएगा, सॉरी, अच्छा डीबग करना बड़ा जरूरी है, मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि फॉर आई इन रेंज 1 to लेंथ, इस लाइन में प्रॉब्लम है, तो तुरंत मैं उस लाइन में गया, मैंने पकड़ लिया, तो ये भी एक आर्ट होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, आपको ये भी सीखना होता है कि जब कोड में एरर आए तो कैसे उसे डीबग करें फटाफट, खैर अच्छा फॉर ग्लोबल नेम एल डिफाइन नहीं है इस लाइन पर, एल जो है लिस्ट -1 1 2 यही है सॉर्टेड आंसर, बूम हो गया, अगर आप चाहो तो थोड़ा मुश्किल एग्जांपल ले लो 47 -92 1 23 75, ठीक है, इसे आप रन करोगे
सबसे छोटा नंबर माइनस 191 माइनस 1 2 23 हो गया। तो बेसिकली ये हो गई आपकी इंसर्शन सॉर्ट, आपने इजीली इंप्लीमेंट भी कर लिया और देख भी लिया। तो होपफुली आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गई होगी, अगर आपको नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए लेक्चर पे और मुझसे पूछिए। हमने आज इंसर्शन सॉर्ट की बात की और इंसर्शन सॉर्ट छोटे डेटा सेट पर ही इम्प्लीमेंट करना अच्छा रहता है। समझना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लार्ज डेटा सेट्स पर अगर आप यूज़ करोगे तो टाइम बहुत लगेगा और नहीं करना। इसका रनिंग टाइम हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हम शो कर सकते हैं चाहे तो कि n स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि अगर n चीज़ें सॉर्ट करनी है तो जो टाइम होता है वो लगभग n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर 1000 एलिमेंट को स्टोर सॉर्ट करने में 1 मिनट लगता है तो 2000 एलिमेंट को सॉर्ट करने में 4 मिनट लगेंगे। इनपुट साइज दुगना करने पर टाइम 4 गुना हो जाएगा, इनपुट साइज 10 गुना करने में टाइम 100 गुना हो जाएगा। अगर 1 मिलियन नंबर सॉर्ट करने में 1 दिन लगता था तो 10 मिलियन नंबर सॉर्ट करने में 100 दिन लगेंगे। समझ रहे हो? तो एन स्क्वायर बहुत बुरा है, क्योंकि एन बढ़ाने पर टाइम स्क्वायर से बढ़ रहा है। अगर तो ये प्रॉब्लम है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एन स्क्वायर से नहीं, एन लॉग एन से बढ़ते हैं, जो हम देखेंगे अभी आगे, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बड़े डेटा सेट्स पर। थैंक यू, दिस आज का लेक्चर ख़त्म। अगले लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट देखेंगे। देखते रहिए।